हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आज आपका हमारी इस वीडियो में। आज हम आर्टिगा का कंप्लीट सर्विस कर रहे हैं और सस्पेंशन चेकिंग। तो यहाँ पे इसका ऑयल फिल्टर लगता है जो कि मैंने खोल दिया है, वो यहाँ है, इधर फिट होता है। और ऑयल फिल्टर खोलने के बाद इसको चेक करना रहता है। और ये रहा इसका ड्रेन प्लग बोल्ट जो कि यहाँ बैठता है, मैंने ऑयल गिरने के लिए छोड़ रखा है। और ये है गियर ऑयल चेकिंग करने का बोल्ट, तो चार मुंह का एलिंकी रहता है। तो गियर ऑयल मेरा भरा हुआ है, एलिंकी गिर रहा है और कंडीशन भी अच्छा है इसका, तो हम इसको ऐसे ही फिट कर देंगे। ये आर्टिगा है पेट्रोल वर्जन जो कि कंप्लीट सर्विस के लिए आया है हमारे पास। और हम इसका सस्पेंशन ओवरऑल भी कर रहे हैं। कस्टमर का कंसर्न है कि थोड़ा थोड़ा सस्पेंशन में आवाज़ है, तो हमें वो चेक करना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा टायर एंड, ये बॉल जॉइंट, ये सही है। अब देख सकते हैं कि कैंची हल्का सा फटा दिख रहा है, इसको हम रिप्लेस करने वाले हैं। और मैंने ये भी खोल दिया है, कैंची का ये गुटका सही लग रहा है, इसको हम लोग रिप्लेस नहीं करेंगे, दूसरी रिप्लेस करेंगे। और डिस्क रोटर में लाइन आ गया है, इसको हम लेथ पे देंगे। इसका कैलिपर पिन भी जाम है, इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे या फिर ग्रीसिंग करके देखेंगे। थोड़ा थोड़ा प्ले है अप डाउन में, इसके लिए इसको रिप्लेस करना ज़रूरी है। और आप देख सकते हो इसका ये रहा लिंकेज, ये लिंकेज भी प्ले बहुत ज़्यादा हो गया, इसको रिप्लेस करना ही पड़ेगा। इसका ब्रेक पैड देखिए, ब्रेक पैड एकदम सही दिख रहा है, तो ब्रेक पैड हम रहने देंगे, इसको पॉलिश पेपर मार के लगाएंगे। और ये रहा हमारा एसी का पाइप जो कि बिल्कुल सही है, बॉडी इंस्पेक्शन करना पड़ता है। ये है कैच जैक पॉइंट नीचे का बॉडी साइड का, ये काफ़ी दबा हुआ है। ये है पेट्रोल फिल्टर जिसको हम रिप्लेस करेंगे। ये हमारा लाइनर बिल्कुल ओके है, इसको हम लोग पेपर मार के लगाएंगे। और इसको लेफ्ट राइट करके चेक करना पड़ता है, व्हील सिलेंडर चल रहा है कि नहीं, व्हील सिलेंडर बिल्कुल फ्री है। और ये हमारा रियर सकअपसर का किट फटा हुआ है, इसको हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं। बाकी बॉडी में ऐसा कुछ दिखता नहीं। ये रहा हमारा स्टेपनी बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, हवा भी सही है। ये हमारा ड्रम तो अच्छा है, इसको पॉलिश पेपर मार के लगाएंगे, लाइन बिल्कुल नहीं है। सेम ये साइड का भी ड्रम देखिए, ड्रम बिल्कुल अच्छा कंडीशन में है, लाइन नहीं है, इसको ही हम लोग लगाने वाले हैं। रियर सॉकअप का किट फटा हुआ है, इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे। ये लाइन बिल्कुल परफेक्ट है, वर्किंग कर रहा है, हम लोग इसको पेपर मार के लगाने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये साइड का भी बूस्ट ऐसे ही फटा हुआ है, तो इसको हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं। इसका डिस्क में हल्का हल्का लाइन है, इसको हम लोग लेथ पे देने वाले हैं। ये बुशिंग सही है, इसको ग्रीसिंग करके लगाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्ले आ रहा है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में भी, इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे। ये गुटका भी सही है। और ये ऑयल फिल्टर का लोकेशन, ये रहा गियर वाइल का बोल्ट, ये ड्रेन प्लग बोल्ट, हम लोग इसका कंप्लीट सर्विस करने वाले हैं। और सस्पेंशन ओवरहाल भी है, तो कस्टमर का कंप्लेन है कि मुझे ज़्यादा खर्चा नहीं चाहिए, उनको सस्ते में हो जाए, तो सस्ते में चाहिए उनको, तो फिर ये लिंकेज डाल के देना पड़ेगा। उनको लिंकेज गया है, जंपिंग रॉड का घुस गया है, बैलेंस रॉड जिसको बोलते हैं हम लोग, और बाकी ब्रेक पैड वगैरह सब सही है। ये आर्टिगा, ये हमने ऑयल खोल रखा है फ्रेंड्स, अभी काम चालू है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा इसका एयर फिल्टर जो कि हवा मार के चल जाएगा, हल्का हल्का गंदा है, इसका बॉडी पूरा क्लीन करना पड़ेगा जिसमें ये बैठता है फ्रेंड्स। ये रहा इसका स्पार्क प्लग जिसको हम लोग सर्विस होने के बाद इसको साफ करना रहता है, क्योंकि इसके अंदर पानी चला जाता है, तो कार हमारी मिसिंग करती है। कूलेंट लेवल बिल्कुल बराबर है,
मैंने टॉप अप कर दिया है, बैटरी पानी भी चेक कर लिया है। ये है विंडशील्ड वाटर जिसको मैंने फिलअप किया है। ये है ब्रेक ऑयल जो कि हल्का सा कम है, हम इसको टॉप अप करने वाले हैं। और फ्रेंड्स ये रहा हमारा कैबिन फिल्टर जिसको हम लोग एसी फिल्टर के भी बोल सकते हैं, बोलते भी हैं लोग। ये रहा एसी फिल्टर जो कि चौक है, इसको हम लोग क्लीन करने वाले हैं। अगर कस्टमर से बात करेंगे, अगर वो बोलेगा चेंज करने के लिए, उसको चेंज भी करेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड बुशिंग कटा है इसमें, ऐसा 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 करके चेक करना पड़ता है आगे पीछे। इसमें ज़रा भी प्ले नहीं है तो ये सही है, बस ये थोड़ा वीक है, ऊपर ऐसे छोड़ने पे रुकने आना चाहिए लेकिन ये रुकता नहीं। और ये भी सही है, हल्का वीक है लेकिन चल जाएगा। ये बैलेंस रॉड ये भी सही है। ये सॉकर तो बिल्कुल कंडीशन में है, इसका हम लोगों ने काम किया था, ज़रा भी लीकेज नहीं है किधर से भी। ये मेरे हाथ से आयल लगा है। और डिस्क रोटर में थोड़ा लाइन है, इसको हम लोग लेथ पे देने वाले हैं। बाकी इसका लिंकेज जो कि यहाँ बैठता है, ऐसे जंपिंग रॉड के साथ वर्किंग करता है और सॉकअप में फिट होता है। सॉकअप में और इधर जंपिंग रॉड में 14 का नट लगता है इसमें, किसी किसी गाड़ी में 17 का भी रहता है। ये बिल्कुल गया है फ्रेंड्स, तो हम लोग इसको रिप्लेस करने वाले हैं। बिल्कुल ही गया है ये, खड्डे में जाने पे प्लेन रोड पे आवाज़ मारता है, खड़खड़ 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 खड़खड़। एक्सल सही है, एक्सल में कोई इशू नहीं। तो फ्रेंड्स ऐसे वीडियो देखते रहिए, हम लोग पूरा वीडियो आपको मिलेगा फिटिंग करने के बाद, रिप्लेस करने के बाद। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने नया लिंकेज इंस्टॉल कर दिया है और नया बूट डाला, कैलिपर का नया पिन भी डाला। इसमें काफ़ी प्ले था, अभी देखिए ज़रा भी प्ले नहीं है। और हमने ये नया लिंकेज भी इंस्टॉल कर दिया। कस्टमर का कहना है कि बुशिंग अभी रहने दीजिए, थोड़े दिन बाद चेंज करेंगे, इसके लिए हमने उतने पे ही छोड़ दिया। और इधर राइट साइड का भी हमने लिंकेज रिप्लेस कर दिया, सस्पेंशन का बुश थोड़ा फटा है तो कस्टमर बाद में चेंज करवाएंगे। बाकी सब अच्छा था और कैलिपर में भी प्ले नहीं है, सॉकअप भी अच्छा है। हमने बाकी सब कंप्लीट कर दिया है, गाड़ी रेडी हो चुकी है, सिर्फ सर्विसिंग बाकी है। और देख सकते हैं आप पीछे का भी हमने कंप्लीट कर दिया है। और ये रहा फ्रेंड्स जूना सामान इसका पुराना, यह हमारा लिंकेज दोनों, और ये कैलिपर पिन है जो कि बिल्कुल जाम था। ये जाम रहेगा तो ब्रेक पैड घिस जाएगा जल्दी और चलेगा नहीं, व्हील गर्म होएगा, डिस्क भी ख़राब हो जाएगा। और हमने ये हाई टेम्परेचर ग्रीस यूज़ किया पिन में TBS का, तो हमारा काम कंप्लीट हो गया। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और डिसलाइक ज़रूर दें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।